आज विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज नए टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूं और यह है प्रतियोगिता परीक्षा कहें या फिर हिंदी भाषा के संबंध में बात कहें तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिसका नाम है विशेषण। और विशेषण तो आप बहुधा और कई बार पढ़ चुके हैं, फिर भी हम उसे और समझने की कोशिश करेंगे। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ विशेषता बताते हैं, उनकी हीनता भी बताते हैं, उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं, अच्छा आदमी सभी जगह सम्मान पाता है, तो अब इसमें विशेषता बताई जा रही है। यह आदमी जो शब्द है यह संज्ञा शब्द है और इस शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता यह अच्छा शब्द जो है यह बता रहा है। इसलिए जो अच्छा शब्द है यह विशेषण कहलाएगा। जो आदमी शब्द है यह शब्द संज्ञा या इसे ही दूसरा नाम विशेष्य कहते हैं। विशेष जो है वह क्या होता है उस पर भी हम बात करते हैं कि जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे या उस शब्द को हम विशेष कहते हैं। विशेष में थोड़ा कभी कुछ बच्चे बहुत कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि विशेष क्या है, तो संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द होते हैं उन शब्दों की विशेषता जहाँ पे हमें मिलेगी अर्थात विशेषता बताएंगे तो इसकी विशेषता बताई जा रही, अर्थात जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसे हम विशेष कहते हैं। तो हमने देखा कि विशेषण जो है तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। हमने दूसरा शब्द कहा था कि विशेषता बताए या हीनता बताए, दोनों की बात की थी। अब हीनता अर्थात कमी होता है, तो कमी अर्थात बुरे आदमी, आदमी जो है यह कौन हुआ, विशेष हुआ। इस विशेष शब्द की आप देखिए, विशेष शब्द की यहाँ पे विशेषता बता रहा है कौन सा आदमी कैसा है, बुरा, अर्थात यह बुरा शब्द जो हुआ यह भी विशेषण कहलाएगा। तो विशेषण शब्द में संज्ञा या सर्वनाम की वो शब्द विशेषता बताएगा या उसकी हीनता बताएगा, ऐसे शब्दों को हम विशेषण शब्द कहते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे इस विशेषण जो हमारा टॉपिक है, इस विशेषण को दो आधार पे हम बांट सकते हैं, पहला मूल आधार पर और दूसरा स्थान के आधार पर। दोनों प्रकार से हम इनको पढ़ेंगे। तो मूल आधार पर जो विशेषण होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इसी टॉपिक को हम लेते हैं, मूल आधार पर विशेषण। और मूल आधार पर जो विशेषण है वो चार प्रकार के होते हैं। पहला देखिए गुणवाचक, पहला गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। दूसरा नंबर है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण। और यहाँ पे चौथा हम देखेंगे संकेतवाचक, या हम इसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो इन चारों विशेषण को हम एक एक को अलग अलग विस्तार में पढ़ेंगे। हम देखेंगे इसमें कि गुणवाचक जो विशेषण होते हैं उनके विभिन्न प्रकार होते हैं, संख्यावाचक विशेषण के विभिन्न प्रकार होते हैं, ऐसे सभी को हम अलग अलग और विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ विशेषण का परिचय देने के लिए आपको ये वीडियो बनाया है हमने। तो हम चाहते हैं कि विशेषण क्या है, तो विशेषण वे शब्द हैं, वे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं अथवा संज्ञा व सर्वनाम की हीनता बताने वाले शब्द हैं, जो जिनसे हमें उन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता मिलती है उन्हें हम विशेषण शब्द कहते हैं। और इन्हें हमने दो आधार पर बांटा है, पहला मूल आधार और स्थान के आधार पर। मूल आधार पर इन्हें चार भागों में बांटा गया है, उन्हें हम विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।